नो स्टार्ट एक्सरसाइज 1D। अब इसमें क्या करना है, एक रेशनल नंबर फाइंड करना है कोई भी दो दिए गए नंबर के बीच में। अ रेशनल नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1/2 x वाई, मीन्स सिंपली दो नंबर को ऐड करें और दोनों को हाफ कर दें, 1/2 से डिवाइड कर दें। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, क्या करना होगा, 1/2, ये सपोज कर लीजिए आपका एक्स है फर्स्ट टर्म एंड वाई आपको 1/4 सेकेंड टर्म, तो 1/2 फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 12 एलसीएम, 4 + 3 7/12 बाई टू 7/24, तो 7/24 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू 3/4 एंड बी इज इक्वल टू -2/3। अभी बताया रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए सिंपली हाफ 1/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म ऐसे इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस बी। सो हियर फर्स्ट टर्म इज -3/4 एंड सेकेंड टर्म इज -2/3। सिंप्लीफाई ब्रैकेट टर्म, 3 2 3 4 3 12 एलसीएम, -3 -2 -5/12 एंड 5/24 एज योर आंसर। ओके इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन -7/2 एंड -2। लेट अस सपोज दैट थ्री रेशनल नंबर बी q1 q2 q3। फर्स्ट रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, 1/2 -7/2 -2, मीन्स दोनों को ऐड किया 1/2। अब यहाँ पे निगेटिव थे दोनों नंबर, इसलिए -1/-7/2 -2 आ रहे हैं। सिंप्लीफाई द ब्रैकेट टर्म, 2 2 4 एंड 7 -11/2 एंड 2 2 4। अब देखिए ये एक नंबर आपको मिल गया ना, अब क्या करना, इसको और सेकेंड टर्म को भी हम ले सकते हैं, इसको और फर्स्ट टर्म को भी ले सकते हैं, मीन्स -11/4 के साथ 7/2 को भी ले सकते हैं, -11/4 के साथ -2 को भी ले सकते हैं। हमने -2 को लिया है, 1/2 11/4 एंड लास्ट टर्म -2, फिर से सिंप्लीफाई किया, फिर Q3। अब इस नंबर के साथ फिर से दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, 19/8 -2, ये रिजल्ट हमारा मिल जाएगा। आप पहले नंबर को भी लेकर ट्राई कर सकते हैं, देख लीजिए आंसर मिलता है या नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से लगाइए, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है आप डिस्कस करिए। ओके थैंक यू।